हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से वोडाफोन आइडिया के बारे में। और फाइनली यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में बढ़िया जंप नज़र आ रहा है। और मैंने कल ही आपको बताया था कि पेरेंट कंपनी वोडाफोन पीएलसी में यहाँ पे सऊदी की एक दिग्गज टेलीकॉम कंपनी ने 10% की हिस्सेदारी ली है। तो भले ही वो पेरेंट कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है, पर इसका पूरा पूरा बेनिफिट यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को मिलने वाला है। तो किस तरह का बेनिफिट मिलने की यहाँ पे उम्मीदें जताई जा रही है, इसके बारे में आपके साथ बात करना चाहूंगा। वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। दो बढ़िया खबरें यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के ऊपर निकलती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि वोडाफोन आइडिया की यहाँ पे प्राइस क्या चल रही है। तो प्राइस आपके सामने है, गूगल पे डेफिनेटली लेकर के आए हो। यहाँ पे देखिए, 8.85 रुपये के आसपास प्राइस चल रही है। 6% की बढ़िया तेजी यहाँ पे आपको देखने को मिली और आज देखते देखते 9 रुपये तक का हाई बना दिया है। तो सबसे पहले खबर क्या है वो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कल सऊदी की जो कंपनी है उसका नाम मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, इस्तिलत। उसने 10% की हिस्सेदारी वोडाफोन पीएलसी में खरीदी है। परंतु इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है दोस्तों, कि 10% की हिस्सेदारी वोडाफोन पीएलसी में खरीदी है। वोडाफोन पीएलसी वोडाफोन आइडिया की प्रमोटर कंपनी है, जो कि 47% हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया में रखती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10% के हिसाब से 4.67% इनडायरेक्टली, मतलब कि 4.7% की हिस्सेदारी डायरेक्टली इस तिलत ने यहाँ पे वोडाफोन आइडिया पे भी कब्जा कर लिया है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि उसने भारत में अभी जो है वोडाफोन आइडिया जो कि वोडाफोन पीएलसी की सब्सिडरी है, उसमें यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री ली है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एक इस्तिलत है, जो कि दिग्गज कंपनी है यहाँ पे सऊदी की, वो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया का भविष्य सुधार सकती है। ऐसी रिपोर्ट्स यहाँ पे निकल के आ रही है, जिसके चलते 6% की बढ़िया तेजी आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक खबर है, परंतु एक खबर नेगेटिव है, परंतु इसका कोई भी असर यहाँ पे शेयर प्राइस में नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि यहाँ पे जो पॉजिटिव खबर अभी मैंने बताई, उसका ही असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एडलविस की एक रिपोर्ट निकल करके आ रही है, जिसमें यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की रेटिंग को उसने रिड्यूस किया है और टारगेट प्राइस को यहाँ पे कितना किया, 7 रुपीज कर दिया है। तो रिड्यूस रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस कट करके 7 का कर दिया। और यहाँ पे स्टेबल परफॉर्मेंस अभी भी वोडाफोन का नहीं है, वो बातें यहाँ पे कंसर्न उस तरह के इन्होंने जताए हैं, जो कि आगे जाकर के वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। हाल फिलहाल में एडलवेज ने, आप देख सकते हो, कि टारगेट प्राइस को 7 रुपये का करके रिड्यूस की रेटिंग दी है। परंतु इसका असर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। मैंने जैसे बताया, मार्केट प्राइस में असर दिखाई दे रहा है, शेयर प्राइस में जो असर दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे डील जो कि पेरेंट कंपनी के साथ हुई है, जैसे कि मैंने बताया, उसका ही पॉजिटिव नजर आ रहा है। चार्ट पे ले जाने से पहले कारोबार की सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट करूँ। तो यहाँ पे देखिए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 8.80 रुपये पे प्राइस चल रही है, 5.5% की तेजी। प्रीवियस क्लोजिंग 8.35 रुपये, ओपन 8.70 रुपये, हाई 8.95 रुपये, लो 8.65 रुपये। यहाँ पे क्वांटिटी आपके सामने है, 7 करोड़ 1 लाख शेयर की ट्रेडिंग, 2 करोड़ 44 लाख शेयर की डिलीवरी, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 35% के आसपास की नजर आ रही है, जो कि मैं इसको डिसेंट मानूंगा। सीधा चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा और नेक्स्ट लेवल टारगेट क्या आ सकते हैं कल के लिए, वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के चार्ट पे लेके आए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, हमेशा की तरह हम इंट्राडे के लिए बात करेंगे। यहाँ पे देखिए बढ़िया गिरावट, और यहाँ पे देखते देखते 8.25 रुपये के आसपास, मैंने जैसे बताया था कि 8.15 रुपये, 8.25 रुपये से बाउंस बैक हो सकता है, वहां से बाउंस बैक हुआ है। 8.55 रुपये, 60 रुपये का रजिस्टेंस के ऊपर ही खुला, तो रजिस्टेंस तोड़ गया। तो अभी 8.55 रुपये के आसपास बढ़िया सपोर्ट मिलने की उम्मीद है जब ये नीचे आएगा। एज ऑफ नाउ तो 8.75 रुपये एक सपोर्ट है, ऊपर की तरफ 8.95 रुपये रेजिस्टेंस है। ये 20 पैसे की रेंज में यहाँ पे कारोबार कर रहा है। ऊपर या नीचे आया, नीचे की तरफ 8.55 रुपये, 8.25 रुपये फिर से सपोर्ट, ऊपर की तरफ अगर 8.95 रुपये के ऊपर निकलने में कामयाब हुआ, 9.25 रुपये तक की बढ़िया मूव आपको दिखाई दे सकती है। तो इस लेवलों को आपको वॉचआउट करना है, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करनी है, और उसके बाद ही यहाँ पे कोई फाइनल लेने की कोशिश करनी है। यहाँ पे देख सकते हो, आरएसए का लेवल जंप कर चुका है, 58 के आसपास है, और वॉल्यूम भी बढ़िया नजर आ रहा है बाइंग के साथ। तो दोस्तों, सिचुएशन है वो धीरे धीरे पॉजिटिव साइड बनती हुई दिखाई दे रही है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही यहाँ पे इंट्राडे या तो फिर स्विंग ट्रेड के लिए मैं पोजिशन बनाने की सलाह दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना है, चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।